दीदी माल पिएंगे माल पिएंगे। तो गाइस देख सकते हो आधी रात को बारिश होनी शुरू हो गई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल नमरता ब्लॉग्स पे। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और आज दिन वेडनेसडे है 21 जून, आज योगा दिन है। तो आज फ़िलहाल मुझे तो मैंने सोचा था कि आज हजारीबाग जाऊँगी क्योंकि नेहरू वीकेंड तो हर बार योगा डे मनाता है। इस बार हम नहीं मना पाए बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मना लेंगे। बट आज का ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल तो अनबॉक्सिंग किए हैं, वो वाला ब्लॉग तो आप लोग देखे ही होंगे, सभी को गिफ्ट्स पसंद आया होगा। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था कल वाला, और लंबा होता लेकिन हम बीच में काट दिए हैं, मतलब लास्ट में काट दिए और कुछ कुछ बीच में भी काटे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता तो फिर मतलब समझ रहे हो आधे घंटे का ऑलरेडी वो हो चुका है। तो आज का ब्लॉग इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम नहा लिए और अभी हम जा रहे पहले बाल सुखाने के लिए और अभी हमको एक जगह जाना है पूजा करने के लिए जो कि रस्म है। और वो कौन सा रस्म है और कहाँ जा रहे हैं पूजा करने के लिए वो तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहोगे तो ही पता चलेगा। तो ठीक है, अभी तो फ़िलहाल वो जाते हैं। बाकी मेरा आज का मेन काम है लैपटॉप से सभी को फ़ोटोज़ भेजना जो सभी मांग रहे हैं कि कैमरामैन दे दिया है। और वो एक और काम बढ़ा के गया है, वो बोल के गया है मतलब कि सारा फोटोज दे दिया है हमको पेन ड्राइव पे, तो लैपटॉप पे देख रहे थे वही, कल से परसों से वही देख रहे हैं। तो वो बोल के गया है कि मतलब क्या बोलते हैं कि जो जो अच्छा फोटोज़ है तो वो 350 फ़ोटो हमको सेलेक्ट करके रखने बोला है ताकि उसका एल्बम बनाएगा। तो कल से मतलब अब इससे वही लगता है, तो वो मेन काम तो वही है। बाकी का तो कुछ कुछ ब्लॉग पे आप लोग को दिख ही जाएगा। तो ठीक है, आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहो। बाकी अभी हम फिलहाल चलते हैं, तो आप लोग भी चलो और देखो कौन सा पूजा है। कौन वाला स्वीटी दी तमिलनाडु से वहाँ गिरा होगा ना कहीं, हमको कैसे पता। देख सकते हो 2-3 दिन से बारिश होने से कितना बारिश यहाँ जमा हो रहा है। और ये वही महुआ का पेड़, मतलब कोड़ी महुआ दोनों एक ही है, महुआ फूल है कोड़ी फल है। अभी चाचे सब कैसे झाड़ रही है दिखाते हैं। ऐसा लग्गी से हिलाया जाता है ताकि जो भी पका है वो इस तरह गिर जाएगा और गिरने के बाद ऐसे फिर उसको निकाल दो, जो कि परसों वाले ब्लॉग में तो दिखाए ही थे। तो ये सही है, अपने घर के सामने है, एकदम रोड के साइड, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो ये वाला आम का पेड़ में एक आम बहुत पीला पीला नज़र आ रहा है, देख रहे हो वो वाला। तो उसको भी हम जा रहे तोड़ने के लिए, बहुत मीठा होगा। तो लाइए लग्गी ला दी है, इससे तोड़ेंगे। तो अभी लग्गी इधर ले आए हैं। तो आम पकड़ है एकदम, दीदी तोड़ लिए के देना रे। इसको कहाँ से लाई थी? इसको मतलब बारी थी। अब बिल्कुल गाइस देख सकते हो अचानक से कैसे तूफान आ गया और कैसे बिजली कड़क रहा है और ये कैसे दौड़ रहा है, देखो। अरे साला, अरे कुत्ता कहाँ दौड़ रहा होगा पीछे पीछे। किधर लगता है बारिश वहां तक आ गया, देखो। बारिश उधर भी आ गया, बारिश उधर भी आ गया, देखो। अब के जा रहे लगता है वही जाने। आजकल तो डेली सी बारिश। भागो रे, बहुत भागो रे। गाइस बारिश तो होने वाला है नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, तोते बादल कुआर के बरजे सो, मतलब ऐसा ही कुछ तो था, पता नहीं। वो सिर्फ गरजा ही, बारिश हुआ नहीं। तो अभी हम लोग छत पे आ गए हैं रील्स बनाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत रील्स बनाते हैं और मौसम का मज़ा लेते हैं। इधर तो अनु डांस कर ही रही है। तो गाइस रील्स बन रही है और ये मुन्नू बना दे रही है, ये दीदी नाच रही है, उधर चाची आई। बन रही है रील्स। देख सकते हो यहाँ पे सबको रील्स बना रहे थे, अभी हम लोग सबको मिलके। वो जो अभी ट्रेंडिंग में चला है वो तो आप लोगों को इंस्टाग्राम में मिल ही जाएगा देखने को, वही वाला रील्स बना रहे थे। तो बहुत थक चुके हैं ब्लॉग बनाया, वो सॉरी ब्लॉग रील्स बना के। और रील्स जब भी बनाते हैं बाल खुले कर लेते हैं, करने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए बाल खुले कर लिए थे। बट अभी मौसम में थोड़ा गर्मी भी लग रहा है क्योंकि बारिश हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना कर दे ले रे गुया। तो अभी मौसम देख रहे बहुत सुहाना है, तो अभी कुछ खाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं कि फिर मम्मी हमको चढ़ी भी जाना था, तो अगर टाइम मिलता है तभी जाते हैं, कुछ काम है। बट तो नीचे चल दिए, चलो जल्दी जल्दी आता। आज अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं मेरे रूम पे। वाह प्रिया। तो गाइस लाइट ऑन कर लेते पहले। अरे कौन वाला स्विच है? हाँ ये क्या? ओह शिट यार, मेरी तो ओ लाइट भी जल गया। तो यहाँ क्या ही दिखाएं, ये वो वाला फोटो है जो शादी में लगा था, मेहंदी वाला, देख रहे हो कैसे चिपका दिए सब कोई। तो क्लियर तो दिख नहीं रहा है, फिर भी पता चल रहा है। इसको आज ही अपलोड किए हैं इंस्टा में, आप लोगों को तो देखने को मिल गया होगा। वाह क्या लाइट है, वाह वाह क्या लाइट। तो गाइस ये बारिश के सामने वाला गेट के पास का पौधा है, जो हर बार बेचारा ठंडा में इतना अच्छा फलता है, देखे ही होगा ठंड में कितना अच्छा ऑरेंज ऑरेंज यहाँ पे पूरा लगा हुआ था। उसको काट दिया जाता है, फिर बेचारा जन्म लेता है, ऐसे ऐसे करके 3 बार कटा और 3 बार जन्म लिया, पर बहुत अच्छा पौधा है। इधर देख सकते हो मेरे बारी का मक्का है, इतना बड़ा बड़ा हो गया। और उधर अभी लग गया है क्योंकि बारिश हुआ 2 दिन, तो उधर लग गया। काहे लो बना दिए। दीदी दीदी तो गाइस देख सकते हो आधी रात को बारिश होनी शुरू हो गई। तो गाइस देख सकते हो कितना जोर की बारिश हो रहा है। बताओ इतना रात दिन भर गर्मी की मौसम है, बारिश। तो गाइस इधर तब से फोटो ही सिलेक्ट किया जा रहा है, पता नहीं अभी तक हुआ भी है कि नहीं हुआ, पता नहीं थकती है कि नहीं है। आज पूरा लगन वाला और मेहंदी वाला सब सिलेक्ट कर लिए है। 92 सिलेक्ट कर लिए, उसमें से 350 सिलेक्ट करना है, उसमें से 92 सिलेक्ट कर लिए हैं। और अब जा रहे हैं, हो गया आज के लिए इतना ही, अब रिलैक्स करेंगे। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, आज के लिए बस इतना। तो ठीक है गाइज, आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोज़ नया नया ब्लॉग देखते रहिएगा। और ये एल्बम वाला भी बहुत जल्द दिखाएंगे, जब बन के आ जाएगा तब। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है।